स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं द खूबसूरत लेडी ऐश्वर्या राय के बारे में। जी हाँ, बता दें कि ऐश्वर्या राय अपनी खूबसूरती को लेकर आज के टाइम के हीरोइंस को भी लगातार टक्कर देती है और लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। जहाँ हम सुर्खियों की बात करते हैं, वहां पर आपको ये बता दें कि बच्चन परिवार हमेशा ही सुर्खियों में बना ही रहता है, वो चाहे किसी की भी वजह से हो। अभी तो आराध्या बच्चन को लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही है लगातार, उनके स्कूल की, उनके ड्रेसअप की और न जाने किस किस चीज की। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसा कुछ बताएंगे जो शायद आपने नोटिस तो किया होगा पर आपके मन में सवाल भी जरूर आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। बात है यहाँ पर ऐश्वर्या राय का हमेशा ही आराध्या का हाथ पकड़े रहने पर। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि हमेशा ऐश्वर्या आराध्या के हाथ पकड़े हुए दिखाई देती है, तो आखिरकार क्यों? क्या उन्हें कोई डर है या फिर कुछ और बात है? लेकिन पहले यहाँ बात कर लेते हैं जो लोग लगातार कमेंट्स करते हैं उस चीज को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या बस ऐसे ही डरती है अपनी बेटी को लेकर, वो पजेसिव है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती, हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना चाहती, इसलिए वो हाथ पकड़े रहती है। तीसरे लोग कहते हैं कि शायद इसका कोई दूसरा बच्चा होगा नहीं, इसलिए अपने पहले बच्चे को लेकर ही इतनी पजेसिव है। लेकिन आपको इस खबर में बताते चले कि उनके चाहने वाले तो उनके लिए प्यारी बातें करते हैं, लेकिन कुछ ट्रॉलर्स उनको लेकर लगातार ट्रॉल भी करते हैं। लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या राय की बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हाथ पकड़े रहना हमेशा सही नहीं लगता है। उसको अपने कंफर्ट स्पेस देना चाहिए ताकि वो आराम से घूम फिर सके। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि रेड कार्पेट हो या फिर कोई भी मीडिया हो, आराध्या बच्चन जहां भी होती है माँ का हाथ पकड़े हुए नजर आ ही जाती है। बता दें कि ऐश्वर्या के द्वारा अपनी बेटी के साथ ऐसा करने के पीछे एक आस और भावुक कर देने वाली वजह है। ये किसी भी विशेष कारण के चलते अपनी बेटी का हाथ थामे रहना ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसके पीछे की वजह का खुद ही खुलासा किया है उन्होंने। अभिनेत्री से सवाल किया गया था कि वे अपनी बेटी के लिए इतनी पॉजेसिव क्यों है, तो बहुत ही छोटी उम्र में लाइमलाइट देखी है, कई बार वो इस चीज को लेकर खिंचाव भी महसूस करती है। जहां तक बात पता चली है, वहां पर अमिताभ बच्चन के साथ साथ अभिषेक बच्चन ने भी आराध्या को ये बात समझाई थी कि बच्चन परिवार का नाम बहुत बड़ा है, तो इसलिए कभी भी ऐसा कुछ मत करना कि जिससे नजरें झुक जाए। और ये चीज अगर बचपन से ही समझाई जाएगी तभी बड़े होकर ये चीज आराध्या समझ पाएगी, क्योंकि हमने सबने देखा है कि आजकल बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड काम ही होता है। तो बच्चन परिवार नहीं चाहता कि उनकी बेटी को लेकर इस तरह की अफवाह भी बने और साथ ही साथ ऐसा कुछ भी काम वो करे। तो बस ऐश्वर्या इन्हीं चीजों को लेकर हमेशा डरी रहती है। तो आपको ये जो अनसुना किस्सा था ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन का, ये कैसा लगा है आपको, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।